अधिकारी के मूल्य निर्धारण पर नहीं मिलते फल और सब्जी। जी हां, पीलीभीत में जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किए जाने उपरांत मंडी सचिव द्वारा फल सब्जी लहसुन प्याज दालों की एक निर्धारित मूल्य की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी विक्रेता ग्राहकों से अधिक मूल्य ले रहे हैं। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी न तो कार्रवाई की जा रही है और न ही इस मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। लगता है मंडी सचिव द्वारा जारी की गई लिस्ट को विक्रेता हवा हवाई मानते हैं, जिसके चलते अधिक मूल्य में ग्राहक को वस्तुएं बेच रहे हैं। जबकि पूर्व में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा कहा गया था कि अगर कोई निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडी सचिव द्वारा लहसुन का मूल्य निर्धारित सूची में थोक में 7500 रुपए प्रति क्विंटल और फुटकर मूल्य 80 से 90 रुपए निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जी विक्रेता ग्राहकों से 120 प्रति किलो के हिसाब से लहसुन की मूल ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा ऐसे सब्जी विक्रेताओं पर क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है। ₹120 किलो महंगा ना दे रहे लहसुन? लहसुन 120 रुपया किलो महंगा ना दे रहे? का भाव मिल लो मंडी से? जो हम कमा रहे हम ही जान रहे हैं, डेढ़ साल से यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मुसलमान जो पाता वो हर के लिए आता है। जो मद्दा है, प्याज 130 था तब भी हमारे पास मिलता था, कोई एक भी नहीं दिखाई देता था। अब 500-600 रुपये हम ठिलिया भर जाते मिले हुए। हाँ तो मंडी से का रेट मिल लो लहसुन? प्याज लहसुन लहसुन जी हमारा भैया 85 रुपये का है, 90 में पड़ा था। क्यों भूख चली जाती झोंक? हाँ तो 100 रुपया किलो भी तो आप दे सको तो क्यों? 100 रुपया किलो भी तो आप दे सकते हो? 100 रुपया किलो भी तो आप बेच सकते हो? सूख जाता आलू, लहसुन अभी नरम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आरिफ। आरिफ जी, ये केले और फल वगैरह जो हैं आप क्या रेट बेच रहे हैं? मंडी से 35 रुपये दर्जन सुपर आ रही है, एक नंबर 30 रुपये मार रहे हैं हम। 35-40 बेच रहे हैं, 2-4 रुपये तो हम भी लेंगे। और सेब क्या रेट? सेब 90 रुपये 100 रुपये में, 1050 रुपये के 12 किलो सेब दे रहे हैं। अंगूर क्या रेट दे रहे हैं? अंगूर 60 रुपये किलो बेच रहे हैं हम। 750 रुपये 700 रुपये क्रेट आ रही है अंगूर की। 18 किलो 17 किलो अंगूर निकल रही है, 1 किलो टूट निकल रही है। शासनीय आदेश पड़ा हुआ है कि आप 30 रुपये से 35 रुपये के बीच। अरे सर, उनने लिस्ट बना के दे दिया, उस लिस्ट के हिसाब से हमें माल नहीं बिक रहा, मिल गया तो हम कैसे देंगे हमें? आप ये बताइए। तो ये आप माल किस दुकान से उठाते हैं? हम माल उठाते हैं, सभी कहने उठाते हैं। साबिर भाई हैं, इकरार हैं, अकरम हैं, अनवार हैं, सभी गले से उठाते हैं माल। जब उनसे मद्दा मिलेगा हम उसी हिसाब से बेचेंगे, जब हमें मद्दा मिल ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे बेच के? लिस्ट जारी की गई है राशन को लेकर, सब्जियों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद जो है जो बड़े यानी व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारियों को अधिक मूल्य में दे रहे हैं, जिस कारण जो है उनको मजबूरी में महंगा बेचना पड़ रहा है। इस तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन स्पेसिफिक हमारे पास उदाहरण नहीं आया है। यदि आप हमको स्पेसिफिक कोई सा भी इनपुट दे देते हैं तो हम व्यापारी पर कार्रवाई कर देंगे, हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए जो हमने रेट लिस्ट ली है व्यापारियों से निगोशिएट करके, मंडी सचिव से निगोशिएट करके, बात करके, पूरे विजडम के साथ बनाई है, और इसलिए उस रेट लिस्ट का पालन किया जाए।